बाबूपुरवा थाना पुलिस के हाथ आज उस वक्त बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान छकरकटी बस स्टैंड से चार ठगों को पीली धातु के साथ पकड़ा। पकड़े गए सातीरों के पास से 13 पीली धातु के बिस्किट के साथ मोबाइल फोन बरामद किए गए। पूरे मामले का खुलासा करते हुए बाबूपुरवा क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए सातीर विशेष स्थान पर पीली धातु गिराकर निकल जाता है। कुछ देर खोजने का नाटक कर निकल जाते थे। वहीं पीछे से उनका दूसरा साथी पीली धातु मिलने की बात कर शोर मचाता था। वहीं आसपास के लोग जब इकट्ठा हो जाते थे, जिसके बाद अन्य लोग मोटी कीमत लगाकर भोले भाले लोगों को पीली धातु को कीमत से कम दामों में बेचकर ठगी कर निकल जाते थे। पकड़े गए ठगों के पास से 13 पीली धातु के बिस्कुट, 3 कीपैड मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। थाना बाबूपुरवा क्षेत्र में चार टप्पेबाजों को पकड़ा गया है। चारों व्यक्ति थाना जनपद गोंडा से बिलोंग करते हैं। आज जगरगढ़ के आसपास मुखबिर की सूचना मिली कि एक संगठित ग्रुप यहां पे सक्रिय होने की कोशिश कर रहा था। इसमें से एक व्यक्ति बताता था कि अपने आप को कि मेरे 2 सोने के बिस्किट कहीं गिर गए हैं। इसमें से और लोगों को कहने के बाद वो निकल जाया करता था। उसके कुछ देर बाद एक व्यक्ति आता था, कहता था कि मुझे 2 सोने के कहीं से बिस्किट मिले हैं जिनकी मार्केट कीमत बहुत ज़्यादा है मिले हैं, हालांकि मैंने सस्ते में बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उन्हीं के 2 सदस्य ग्राहक बन के आते थे और कहते थे कि एक बिस्किट हम खरीदने के लिए तैयार हैं, जिसकी उस जो पीली धातु का बिस्किट है उसकी रियल मार्केट कीमत जो उनसे पूछा गया वो 200 से 300 रुपये के आसपास हुआ करती थी। लेकिन बतौर ग्राहक वो सोने का दिखाते थे उनको और बतौर ग्राहक उनको वो 5 से लेकर 10 और 15 हज़ार के आसपास बेचा करते थे। और उसमें जैसे ही उनका सदस्य एक बिस्किट की डील करता था और एक बिस्किट की डील कोई अन्य यात्री के द्वारा की जाती थी, उसको फोर्स किया जाता था कि ये सोने का बिस्किट है और बहुत महंगी रेट में है मार्केट में, हमें कहीं से मिला है इसलिए हम आपको सस्ते दे रहे हैं। तो जब हमें मुखबिर की सूचना मिली तो हमने इन चारों को गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितनी घटनाएं अभी तक इन्होंने? हाँ, इनसे पूछताछ में देखा इन्होंने जनपद गोंडा में कई घटनाएं की हैं, जनपद इलाहाबाद में भी 5-6 घटनाएं कबूल की हैं। वहाँ पर इन्होंने 6,000 से लेकर 8,000 के बीच में एक पीली धातु का बिस्किट बेचा है। हाँ, ये 4 ही लोग हैं जो जगह जगह पर घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से? झकरकटी बस स्टैंड से।